फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर फ्रंट ब्लॉक डिजाइन कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने लाइनिंग कट कर लिया और देखिए हमने ये गोल्डन कलर का कपड़ा लिया और हमने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया। हमने ब्लाउज भी कट किया, हमने सिर्फ लाइनिंग कट किया। पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे डिजाइन और उसके बाद हम सेम ब्लाउज रख के ब्लाउज पे कट करेंगे। तो उससे पहले आपको लंबाई डालती हूँ ब्लाउज की। देखिए, हमें जो लंबाई ली है 15 इंच ली है और देखिए हम 36 साइज बना रहे हैं, तो डबल फोल्ड में 9 इंच ले लिया और 2 इंच हमारे इसमें मार्जिन है। शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए, मुड्डे हमारे 6.5 इंच है और इसमें हमारी 1 इंच की गुलाई है। तो देखिए, शोल्डर से 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं हम। और देखिए, इसकी जो लंबाई लेंगे हम वो हम 5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह से सेम हम यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और देखिए यहां से हम इसमें इस तरह से गुलाई देंगे। तो देखिए, इस तरह से इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा देते हैं और बीच में हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हम इस तरह से वी शेप देंगे, 5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह से जो मैंने वी शेप दिया इसे हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से अब हम सेम ड्राफ रख के ब्लाउज पे कट करेंगे। देखिए, नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है इस तरह से, नीचे से पूरे कट करते हुए। और देखिए, इस तरह से इसे हम इसी शेप में कट करेंगे पूरा। देखिए, इसे हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे हम सिलाई करेंगे इस तरह से यहाँ पे और फिर यहाँ पे हम इस तरह सिलाई करते हुए फिर नीचे से हम पलट देंगे इसे। देखिए, हमने ये गोल्डन वाला कपड़ा लिया है, इसमें हम कट करेंगे इसके लिए डिजाइन। तो देखिए, हमने 2 इंच की पट्टी कट करेंगे इस तरह से, 2 इंच में निशान लगा देते हैं। और देखिए, यहाँ से हम इसमें इस तरह से गुड़ाई देंगे। देखिए, इस तरह से और सेम 2-2 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसमें हम एक पट्टी और कट कर लेते हैं। मैंने दोनों पट्टियां कट कर ली, अब इसमें हम दोनों साइड सिलाई करेंगे फिर इसे पलट देंगे हम। और देखिए, मैंने ये स्ट्रेट एक पट्टी कट करी है, इसकी जो हमने चौड़ाई ली हमारी 1.5 इंच है और इसकी जो हमने लंबाई हम इसकी 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम पहले से फिटिंग फिनिशिंग दे देंगे दोनों साइड और उसके बाद पलट के इसे भी हम सिलाई कर देंगे इसके ऊपर भी दोनों साइड। देखिए, नीचे हमने ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर में लाइनिंग रखा है और देखिए जो हमारा आर्म गोल है यहाँ से हम पूरे पे सिलाई करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से, फिर इस तरह से, फिर पूरे नेक पे हम इस तरह से नीचे तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे।
देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया, अब इसे पलटेंगे। देखिए इस तरह से अब इसमें हम प्रिंसेस कट के पॉइंट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया और देखिए यहां से 3.5 इंच में निशान लगा लेते हैं और देखिए आर्म गोल से 6 इंच पे और नीचे 4.5 इंच पे। अब इन तीनों पॉइंट को हम एक साथ मिला देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से और इसे हम इस तरह से प्लेट डालेंगे और सेम निशान हम इस साइड भी लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी, अब इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई कर दी, अब नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए हमने लाइनिंग कट की है 3 इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से और इसे फोल्ड करेंगे और नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए इस तरह से हमने नीचे फिनिशिंग दे दी। अब हमने जो गोल्डन कलर की पट्टी कट की थी अब हम वो तैयार करेंगे। देखिए हम दोनों पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने पट्टी तैयार कर ली, अब ब्लाउज में अटैच करेंगे ना। देखिए मैं ब्लाउज इस तरह से फोल्ड किया है और देखिए जो हमारे ये आर्म होल जा रहे हैं यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए और जो हमारी पट्टी है इसे हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हल्का सा नीचे क्रॉस में करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से और जो हमारा ये आला है, देखिए जो हमारा ये वाला नेक आएगा वो हमारे इस तरह से यहाँ पे बीच में गैप रहेगा थोड़ा सा इस तरह से। और देखिए हमारी ये वाली पट्टी नीचे आएगी और ये वाली पट्टी हमारी ऊपर आएगी और ये वाली हमारी नीचे आएगी और ये वाली हमारी ऊपर आएगी इस तरह से यहाँ पे हमारा अटैच हो जाएगा ये। देखिए हमें पेंसिल सेट कर लिए और यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रेट सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हम पूरे पे लेस लगाएंगे यहाँ तक, फिर इस तरह से यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो हमने एक गोल्डन कलर की लेस ली है।
देखिए इस तरह से हमने पूरी प्रेस लगा दी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अटैच कर दिया इस तरह से। तो इस साइड हमने अटैच नहीं करा, ये इस तरह से ओपन रहेगा हमारा। यहाँ पे हमने लेस लगा दी, तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कम्प्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कम्प्लीट हो गया, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक हमारे नेक का। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारी गोल्डन कलर की इस तरह से पट्टी जा रही है, और एक हमारी इस तरह से स्ट्रेट आ रही है। तो हमारे देखिए बीच में गैप है, और यहाँ पे हमारा गैप रहेगा इस तरह से। और देखिए यहाँ पे हमने पूरे में लेस लगा दी इस तरह से, और देखिए हमने फिनिशिंग दे दी नीचे, और हमने बिना कट किए इसमें प्रिंसेस कट दी की प्लेट डाली है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इस ब्लाउज का। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस करवा चौथ पर, बहुत ही प्यारा डिजाइन कीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी।